नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 10 जून। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 208 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 5455 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो औरंगाबाद में 3, बांका में 13, बेगूसराय में 18, भागलपुर में 16, बक्सर में 4, दरभंगा में 5, गोपालगंज में 11, जहानाबाद में 4, कैमूर में 11, कटिहार में 18, खगड़िया में 1, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 16, मधुबनी में 1, मुंगेर में 8, नालंदा में 9, नवादा में 25, पटना में 7, रोहतास में 6, सहरसा में 8, समस्तीपुर में 2, सारण में 6, शेखपुरा में 2, सुपौल में 9, वैशाली में 4 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोविड 19 से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 2770 पर। बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक के जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में अब तक कोविड 19 से 1,55,88 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें से कुल मिलाकर 5,300 से ज्यादा मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि कोविड 19 से ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिन जारी किए गए अपडेट के अनुसार 2770 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है। पार्क और चिड़ियाघर में जाने के लिए करना होगा नियमों का पालन। अनलॉक 1 के तहत बीते दिन से एक बार फिर से पार्क और चिड़ियाघर को खोल दिया गया है, जिसके तहत चिड़ियाघर घूमने और पार्क में जाने के लिए नियमों का पालन करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह 5:30 से 10:30 बजे तक मॉर्निंग वॉक के लिए चिड़ियाघर खोला गया है। इतना ही नहीं, मॉर्निंग वॉक के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक बुजुर्गों एवं 10 वर्ष से कम उम्र के लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा नया ईवीएम। बिहार विधानसभा चुनाव आने में बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। नई विभिन्न पार्टियों ने भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच चुनाव आयोग ने इस साल बिहार विधानसभा चुनाव में नए ईवीएम मशीन के इस्तेमाल का आदेश जारी किया है, जिसके परिणाम स्वरूप चुनाव के लिए M3 मॉडल की ईवीएम मशीन मंगवाई जा रही है, जो कि 3 राज्यों यानी कि यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से मंगवाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासी मजदूरों के निबंधन करवाने का जारी किया आदेश। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच लाखों की संख्या में प्रवासियों की बिहार वापसी हुई है, जिसके बाद सरकार ने उन्हें रोजगार मुहैया करवाने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने प्रवासी श्रमिकों का निबंधन कराने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जिस श्रमिक का निबंधन होगा उसे सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के तहत रोजगार प्रदान किया जाएगा। खबरों की माने तो 1,00,000 तक श्रमिक का निबंधन किया जा चुका है। बिहार के 3 जिलों में आंधी बारिश की जताई गई संभावना। बिहार के 3 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी जिले में आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के माने तो सुबह 7 बजे से अगले 3 घंटे तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है, जिसके तहत इस अवधि में इन 3 जिलों में बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के माने तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण बदलाव देखने की संभावना जताई जा रही है। इमाम ने अपनी पूरी संपत्ति को किया पत्नी और हाथियों के नाम। जी हां, आपने सही सुना, पटना के जानीपुर के रहने वाले अख्तर इमाम ने अपने बेटों की संपत्ति से बेदखल कर अपनी सारी 5 करोड़ की संपत्ति हाथियों और पत्नी के नाम कर दी है। इसके लिए उन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस जाकर दोनों हाथियों के नाम दस्तावेज भी बनवा दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया है कि अगर सारी जायदाद हाथियों के नाम होने के बाद अगर उन्हें कुछ भी हो जाता है तो सारी संपत्ति ऐरावत संस्थान के नाम कर दी जाएगी। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को नेता मानने से फिर किया इनकार। हम प्रमुख जीतन राम मांझी कहने को महागठबंधन दल का हिस्सा है, मगर वह आए दिन राजद पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने बीते दिन एक बार फिर से राजद पर टिप्पणी की है, जिसके तहत जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन दल का नेता मानने से इनकार कर दिया है। उनकी यह मांग है कि महागठबंधन के नेतृत्व सहित सभी बड़े फैसले समन्वय समिति ले, साथ ही महागठबंधन दल का नेता कौन होगा इसका फैसला भी समन्वय समिति ले। हालांकि राजद ने पहले ही समन्वय समिति के गठन से इनकार कर दिया था। बिना हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट लगाई गाड़ी अब नहीं निकलेगी शोरूम से बाहर। बीते दिन परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत की थी, जिसके तहत बिना सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए शोरूम से बाहर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी थी। परिवहन सचिव ने साफ कर दिया था कि अगर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कोई भी गाड़ी शोरूम से निकली तो चालक के साथ संबंधित वाहन के डीलर के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन चलाना नियमों के खिलाफ है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार बीते दिन भी की अपने कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन संवाद। विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन एक बार फिर से अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन संवाद किया है, जहां पर उन्होंने प्रवासियों की वापसी का ब्यौरा दिया है। साथ ही 1.63 लाख लोगों के क्वारंटाइन सेंटर में रहने की बात भी कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान COVID-19 का सामना करने की अपील की है और प्रवासियों को रोजगार देने के लिए जल्द से जल्द प्लान बनाने का आदेश भी जारी किया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसने का। इसी क्रम में उन्होंने बीते दिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी COVID-19 के इस माहौल में स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीबों श्रमिकों की वास्तुस्थिति जानने और राज्यवासियों की हौसला अफजाई करने के लिए 84 दिन से आप घर से बाहर नहीं निकले हैं। आप ऐसा करने वाले देश के पहले और अकेले मुख्यमंत्री हैं। अगर किसी बात की कोई चिंता है, परेशानी है, तो आगे आगे मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन आप तो निकलिए। बिहार में 876 विद्यार्थी गृह जिले में परीक्षा करवाने के पक्ष में। CBSE 12वीं के परीक्षा अपने जिले में के स्कूल को परीक्षा केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। पूरे बिहार में अब तक 876 परीक्षार्थियों ने केंद्र में बदलाव किया है, जिनकी जानकारी CBSE की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप 12वीं की यह परीक्षा बदले हुए परीक्षा केंद्र पर ही होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बंद के कारण अधिकतर छात्र अपने घर चले गए थे, जिसके बाद CBSE ने छात्रों की सहूलियत को देखते हुए अलग अलग जिलों में ही सेंटर का आयोजन करवाने का आदेश जारी किया था। रामकृपाल यादव ने रक्षा मंत्री को लिखा पत्र। पाटलिपुत्र से भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बीते दिन एक पत्र जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने दानापुर कैंट रोड को खुलवाने की मांग की है। जारी किए गए पत्र में उन्होंने लिखा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र अंतर्गत दानापुर विधानसभा के दानापुर छावनी परिषद के अधीन 100 वर्षों से अधिक से चालू सर्वे रोड बैराक नंबर 1 से लोदीपुर चांदमारी सड़क को सेना ने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से दर्जनों गांव के हजारों लोगों का आवागमन बंद है, कई इलाके में पड़ते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इसे खोलने की अनुमति दी जाए। लालू यादव के जन्मदिन के लिए जारी की गई जरूरी एडवाइजरी। 11 जून को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा उत्सव मनाए जाने की संभावना को देखते हुए राजद ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से उत्सव नहीं मनाने का ऐलान जारी किया है। इसके साथ ही प्रदेश कार्यालय में केक कटिंग की प्रक्रिया को भी पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया। हालांकि पार्टी में लालू यादव के जन्मदिन के अवसर पर गरीब सम्मान दिवस मनाने का फैसला लिया है, जिसकी जानकारी पार्टी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दी है। COVID-19 के वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार पूरी तरह सजग, उक्त दावा मुख्य सचिव अनुपम कुमार ने की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आज की तारीख में ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर की संख्या 4,552 है। इनमें से 121,779 लोग रह रहे हैं। ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में अब तक 15,20,941 लोग रह चुके हैं, जिनमें से 13,99,162 लोग क्वारंटाइन की निर्धारित अवधि पूरी करके अपने घर वापस जा चुके हैं। इतना ही नहीं, सरकार रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दे रही है। सभी संबंधित विभाग रोजगार सृजन को लेकर किए जा रहे कार्यों की नियंत्रण मॉनिटरिंग कर रही है। स्किल सर्वे का काम लगातार जारी है, इसीलिए किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार अपनी तरफ से COVID-19 की पूरी परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है। राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलपति को दिए आदेश। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बीते दिन बिहार के 4 विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की है, जहां पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूनिवर्सिटी के कुलपति से चर्चा की और अकेडमिक कैलेंडर एवं परीक्षा कैलेंडर के नए रूप में पुनः व्यवस्थित करने का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र कम से कम प्रभावित हो, इसका प्रबंध जरूर करें। इसके साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि UGC के मार्ग निर्देशों के अनुरूप सभी यूनिवर्सिटीज को अपने अकेडमिक काउंसिल में सरकारी निर्देशों के अनुरूप परीक्षाओं का आयोजन करवाना चाहिए। बिहार के 70,000 कारोबारियों को SMS के जरिए GST रिटर्न भरने का मिला ऑप्शन। बंद के कारण GST भरने के लिए कारोबारियों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत GST काउंसिल ने शून्य कर देने वालों के लिए मासिक विवरणी दाखिल करने की बाध्यता खत्म करते हुए उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS के जरिए रिटर्न दाखिल करने की सहूलियत दी है। खबरों की माने तो बिहार में ऐसे करदाताओं की संख्या 4.32 लाख है, जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है और बताया है कि अब सभी करदाता SMS के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 14409 पर SMS करके GST विवरणी दाखिल कर सकते हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर लगाई गई मुहर। बिहार कैबिनेट की बैठक में बीते दिन 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसके तहत इस बैठक में एक डॉक्टर को काम से भी निकाला गया है। बिहार सरकार ने जन्म रजिस्ट्रेशन नियमावली 1999 के नियम 9 और 10 में संशोधन करते हुए यह फैसला लिया है। साथ ही COVID-19 संक्रमण में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही 5 एकड़ तक के जलाशय का मनरेगा के तहत जीर्णोद्धार करने का फैसला सुनाया गया है। इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट ने 25 में से 14 ऐसे एजेंडों पर मुहर लगाई है जो सेवा बर्खास्तगी से जुड़ा हुआ है।
बिहार के एक गांव में क्वारंटाइन सेंटर नहीं होने पर ग्रामीणों ने संभाला बागडोर। बिहार के रोहतास जिले के जलालपुर गांव में वापस लौट रहे प्रवासियों के लिए सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर की कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई थी, जिसके बाद सभी ग्रामीणों ने मिलकर बाहर से लौटे 56 लोगों को गांव में ही एक स्कूल में अपने स्तर से क्वारंटाइन कर दिया है। सभी लोगों के खाने पीने से लेकर सभी व्यवस्था ग्रामीण ने खुद की है। यह सेंटर से सभी लोगों को हालांकि छुट्टी दी गई है, सभी अपने अपने घर चले गए हैं। यानी कि जितने लोगों को यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में डाला गया था उनमें से एक भी संक्रमित नहीं पाया गया था। वहीं ग्रामीण द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर सभी लोगों को भेजे जाने के समय में विदाई समारोह का आयोजन करवाया गया, जहां पर श्रमिक और उनके परिवार के लोगों को कपड़े और अन्य उपहार भी भेंट में दिए गए। शरद यादव ने भाजपा के चुनावी तैयारियों को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पूर्व सांसद रह चुके शरद यादव ने बीते दिन एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके भाजपा को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि देश कभी कोविड-19 से जूझ रहा है और मजदूरों अभी वर्तमान समय में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा अपने चुनाव की तैयारी में लग गई है, जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से इस समय में मजदूरों से लेकर हर आम आदमी को खाने की समस्या आन पड़ी है, ऐसे में भाजपा डिजिटल रैली का इतना खर्चा कर रही है, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी को शोभा नहीं देती है। सत्तारूढ़ पार्टी का यह कदम समझ से परे है। केंद्र सरकार ने दफ्तरों में 20 से ज्यादा लोगों के नहीं काम करने का जारी किया आदेश। कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच पूरे देश में अनलॉक 1 लागू किया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत अब सरकारी कार्यालयों में उन्हीं कर्मचारियों को आने की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोविड-19 के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी साफ कहा है कि कार्यालय में एक दिन में 20 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी मौजूद नहीं रहेंगे। इसके लिए प्रशासनिक विभाग को सबका ड्यूटी चार्ट बनाने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। दुनिया को पीपीई किट पहुंचाएगा भारत। एक समय था जब भारत को चीन की मदद पीपीई किट के लिए लेनी पड़ती थी, और आज एक समय है जब भारत में ही इसका जोर शोर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। किट के मामले में भारत आज आत्मनिर्भर हो गया है, बल्कि इसका निर्यात करने की स्थिति में भी पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के माहौल को भांपते हुए किट बनाने वाले उद्योग से कहा है कि अब वह इसको ग्लोबल सर्टिफिकेशन की तैयारी करे, ताकि इसका निर्यात जल्द से जल्द किया जा सके। जिसकी जानकारी अधिकारियों ने देते हुए बताया है कि पीपीई इंडस्ट्री ने सरकार के सामने निर्यात की इच्छा रखी है, जिसके लिए उन्हें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके बाद सरकार घरेलू मांग को देखते हुए इसके निर्यात पर फैसला करेगी। गूगल मैप के जरिए यूजर को मिलेगी संक्रमण से प्रतिबंधित जगह की जानकारी। गूगल मैप्स ने अपने ऐप में एक नया फीचर जोड़ा है, जिसके तहत अब गूगल मैप्स के माध्यम से यूजर्स को आसानी से संक्रमण से जुड़ी जगहों के बारे में जानकारी मिल जाएगी जहां पर उनका जाना प्रतिबंधित है। इसके लिए जल्द ही भारतीय यूजर्स को भी अपडेट देने पर सोच विचार किया जा रहा है। खबरों की माने तो गूगल द्वारा जारी किए गए इस नए फीचर के जरिए यात्रा के दौरान यह पता लगाना आसान हो गया है कि किस जगह पर संक्रमण के कारण प्रशासन की तरफ से बंद लगाया गया है। इतना ही नहीं, यूजर अब आसानी से यह भी जान पाएंगे कि किस स्टेशन पर कितनी संख्या में लोग मौजूद है और कौन सी ट्रेन या बस कितनी देरी से चल रही है। नताशा ने हार्दिक पांड्या के साथ गोद भराई की तस्वीर की शेयर। बीते दिन हार्दिक पांड्या और नताशा ने आने वाले मेहमान का ऐलान किया था, जिसके तहत हार्दिक पांड्या ने नताशा के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके बाद अब नताशा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी एक और नई तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह अपने बेबी बम्प को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही है। नताशा ने अपनी गोद भराई की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जहां पर उन्होंने हरे रंग की एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है। इस तस्वीर में हार्दिक पांड्या भी नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, नताशा ने इस तस्वीर को शेयर करने के साथ ही एक ग्लोब और एक हार्ट की इमोजी के साथ इसको पोस्ट किया है। आपको याद दिला, इस साल के शुरुआती समय में ही हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया के जरिए नताशा संग अपनी सगाई का ऐलान किया था। लार के इस्तेमाल पर लगाया गया प्रतिबंध। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले के नेतृत्व वाली तकनीकी समिति के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए गेंदबाजों की गेंद पर मुंह के लार के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है, और साथ ही किसी भी खिलाड़ी के संक्रमित होने पर सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी की अनुमति दे दी है, जिसके तहत ICC के मुख्य कार्यकारी समिति ने साफ तौर पर गेंद पर चमक लाने के लिए मुंह के लार के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रवीण कुमार, प्रशांत सिंह, नीलम कुमारी, रेखा सिंह, निधि यादव, प्रभात कुमार, रवि कुमार, सूरज यादव, नेहा सिंह, आनवी कुमारी, सुनीता देवी, राकेश कुमार, सुधांशु कुमार, आशुतोष कुमार, अभिषेक सिंह, मोहम्मद नजीर, प्रभाकर कुमार। इसके अलावा हमारी टीम के और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, हमारे द्वारा दिखाए गए आज के 25 बड़ी खबरों में से आपको सबसे अच्छी खबर कौन से लगी और क्यों, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।